आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। निगम ने 15 साल पुराना अतिक्रमण किया ध्वस्त, अतिक्रमण मुक्त कराई जमीन का बाजार मूल्य 50 लाख से अधिक। जनसुनवाई में आई एक शिकायत का निस्तारण करते हुए नगर निगम ने जेसीबी की मदद से पुल दाल मंडी के निकट एक 15 साल पुराना अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया। अतिक्रमण मुक्त कराई जमीन का बाजार मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक बताया गया है। बाजार मोरगंज स्थित शादीराम बाल मुकुंद घेर निवासी रत्नी देवी ने गत 12 जुलाई 2022 को जनसुनवाई में एक पत्र देकर शिकायत की थी कि उनके घर के बाहर सरकारी सड़क पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। अपर नगर आयुक्त राजेश यादव ने बताया कि इसके जवाब में अतिक्रमणकारी का कहना था कि उसे 55 वर्ग मीटर भूमि नजूल भूमि में आवंटित है, लेकिन जांच उपरांत आवंटन फर्जी पाया गया। अतिक्रमणकारी आवंटन के संबंध में कोई पुख्ता सबूत भी नहीं दे पाया। अपर नगर आयुक्त ने बताया कि इस पर नगर आयुक्त के आदेशों के अनुक्रम में उक्त आवंटन गत 23 मार्च को रद्द कर दिया गया और अतिक्रमणकारी को सूचित किया गया कि 3 दिन के भीतर वह अपना अतिक्रमण वहां से हटा ले, अन्यथा नगर निगम द्वारा अपने संसाधनों से उक्त अवैध अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा। अपर नगर आयुक्त ने बताया कि उक्त अतिक्रमण न हटाए जाने पर अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा के नेतृत्व में नगर निगम ने प्रवर्तन दल को साथ लेकर जेसीबी की मदद से उसे ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल बीएस नेगी, सुपरवाइजर मोहम्मद तौसीफ व अमित चौधरी तथा प्रवर्तन दल के नरेश चंद जगपाल, पवन शिव कुमार व प्रवीण आदि शामिल रहे। 50 बड़े बकायेदारों के भवनों की कुर्की करेगा निगम, अवकाश के बाद भी 30 मार्च को खुला रहेगा निगम का कैश काउंटर। घंटाघर व दिल्ली रोड सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों के 50 से अधिक बड़े बकायेदारों के भवनों की अगले 2 दिनों में कुर्की की जाएगी। इन बकायेदारों पर कई साल से काफी रकम बकाया है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने बकायेदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपनी बकाया रकम जमा करा दें। उन्होंने बताया कि कल रामनवमी उपवास के बावजूद भी बकायेदारों की सुविधा के लिए निगम का कैश काउंटर खुला रहेगा। नगर निगम ने टैक्स वसूली के लिए बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई काफी तेज कर दी है। कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने बताया कि रेलवे रोड, घंटाघर, बेहट रोड, खत्ताखेड़ी तथा दिल्ली रोड पर अनेक भवन स्वामियों पर टैक्स की काफी रकम बकाया है। इन बकायेदारों को कुर्की के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कुछ बकायेदारों ने नोटिस के बाद टैक्स जमा करा है, लेकिन कुछ बकायेदार टस से मस नहीं हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन भवन स्वामियों की कुर्की की तिथि पूर्ण हो चुकी, अब अगले 2 दिनों में इन भवनों पर कुर्की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी रविश चौधरी ने सभी बकायेदारों से अपील की है कि वे तुरंत अपनी बकाया राशि जमा करा दें, अन्यथा उनकी संपत्ति सील या कुर्की जाएगी। उन्होंने बताया कि कल बृहस्पति मार्च 30 मार्च को अवकाश के बावजूद बकायेदारों की सुविधा के लिए नगर निगम का राजस्व विभाग व कैश काउंटर खुला रहेगा। अभी हम फजलुर रहमान रोड पे पीछे की तरफ में जो है वेस्ट की तरफ है मोरगंज है, यहाँ पे रत्नी देवी महिला है, उन्होंने शिकायत की थी कि उनका ये जो घर है इसके सामने ये नगर निगम की जमीन है, किसी व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण किया गया। काफ़ी दिनों से ये एप्लीकेशन लंबित थी, इसकी जन शिकायत भी आई थी और साथ साथ में अन्य माध्यम से भी जो है शिकायत करती थी। इसमें पूर्णतः पूरी तरीके से जब जांच करी गई संपत्ति विभाग के द्वारा और हमारे अतिक्रमण अधिकारी सुधीर शर्मा जी के द्वारा पूरी तरीके से लेखपाल के साथ जांच करके पूरे रिकॉर्डों के साथ मिला करके पता चला है कि किसी भी प्रकार का उनके साथ में कोई शिकायतनामा नहीं है और पूरी ये पूरी जो है अनधिकृत था। इसमें जो चल रहा था अभी तक सारे काम ये अनधिकृत था इसमें, और नगर आयुक्त के आदेश के अनुसार जो है वो आज 23 मार्च को ध्वस्तीकरण स्थगित कर दिया गया था। इससे पहले इनको सूचना दे दी गई थी और हमने भी कल आके यहाँ पे इनका अनाउंसमेंट किया था।